चीयरलीडर्स तो बहुत अच्छे मूड में लग रही है। हाँ, शायद उनके बॉयफ्रेंड्स ने उन्हें छोड़ दिया है या दूसरी लड़कियों को किस कर लिया होगा। सुनो लड़कियों, हम स्कूल जाने से एक महीना पीछे हैं अभी, समझ गई ना? लेकिन तुम अभी भी मोटी हो चर्बी के साथ। हमने हमारे डेट्स कैंसिल कर दिए। हाँ, ताकि हमें शेप में ले आए। ओ चीयरलीडर्स, तुम कितनी अच्छी हो जो अपनी डेट कैंसिल कर दी। हाँ, हमारे लिए सुंदर लड़कियाँ। वैसे लड़कियों, स्कूल तो अब शुरू होने ही वाला है, चलो एक्सरसाइज करते हैं। हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, हम यूँ ही खड़े रह के नहीं देख सकते तुम्हें। लड़कियों देखो उन्हें, वो कितनी बदतमीज है। हाँ हाँ, लेकिन हम उन्हें ट्रेन करते रहेंगे। वैसे ठीक है, जब वो स्कूल जाएंगी तो ढंग से बर्ताव तो करेंगी। एक्सरसाइज करते हैं। अपना पिछवाड़ा हिलाते रहो, अपना शरीर गर्म करो, ऐसे ही करते रहो। अपना पेट पकड़ो, अच्छे से सांस लो। एक, दो, दोस्तों शायद इतना काफी है मेरे लिए। चलो पैट्रिक, थोड़ा और करना पड़ेगा। पैट्रिक, स्कूल शुरू होने वाला है, क्या तुम लूजर बनना चाहते हो? मैं तो नहीं बनना चाहता हूँ, मैं माचो बनूंगा। लड़कों, मुझे लगता है कि हम माचो बन सकते हैं। hey, कोस्टिया, ज्यादा तेज बनो। इस साल मैं लूजर नहीं बनने वाला हूँ, मैं एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ। पैट्रिक, चलो और 10 बार करते हैं। लड़कों, अगर स्कूल में नई लड़कियां आई तो मैं तो शानदार लड़की को डेट करूंगा, समझ गए? 21। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हाँ, मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, ताकि सारी लड़कियाँ मेरे प्यार में पड़ जाएं। क्या तुम सीरियस हो? अब हम तुम्हारे ऐप्स पे काम करने वाले हैं, समझे ना तुम? ये कितनी अच्छी लड़कियाँ हैं, कितनी अच्छी लड़कियाँ हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं हाँ, है। किसी का डेटिंग साइट पे आगे बढ़ना बहुत गलत बात है। मुझे लगता है डायना अपनी क्लासमेट को ढूंढ रही थी वहाँ पर। तुम कितने बेवकूफ हो, कभी भी अपने क्लासमेट्स को नहीं ढूंढते हैं डेटिंग ब्राउज़। लड़कियाँ दूसरे लड़कों से मिल रही है डेटिंग ऐप पे, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है। क्या उन्हें पता है कि हम उन्हें डेट कर रहे हैं? वो किसी दूसरे लड़कों से बात कर रही है, वो हमसे बेहतर किसी को ढूंढ रही है। दोस्तों, इसमें गलत क्या है? मैं भी डेटिंग साइट पे हूँ। तुम भी? तो तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से चैटिंग करता हूँ। मैं याना से चैटिंग कर रहा हूँ। नहीं, उसे नहीं पता है मैं कैट डॉग के नाम से हूँ वहाँ पर। ब्राउज़, उसने क्या मैसेज किया? वो बोल रही कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। मैं भी डेटिंग साइट पे जाऊंगा और डॉल्फिन के नाम से डायना को डेट करूंगा। देखो दोस्तों, मैं ये कर सकता हूँ। ध्यान रखना, ऐसे चोट मत पहुंचाना। शांत हो जाओ, वो लोग इधर ही तरफ आ रहे हैं। वैसे ये बताओ, इस डेटिंग साइट का नाम क्या है? इसका नाम प्रीहर्ट्स है। मैं उस पे क्रैप के नाम से जाऊंगा और लैला को मैसेज करूंगा और देखते हैं वो क्या बोलती है। लूजर, सुनो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। हम है बस ऐसे ही यहाँ पर थोड़ी देर लेटे हैं। हमने बस कैट डॉग, डॉल्फिन और क्रेव सुना और कुछ भी नहीं सुना। पात्र, क्या तुम बेवकूफ हो? है, तुम किसी को भी यहाँ बताने की हिम्मत मत करना, वो हमारी बातें सुन रहे हैं। तो स्माइल, मैं अपना नाम बदल के बम्बल रखूंगा। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। पात्र, तुम इतना क्यों बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियों, तुम्हें एक्सरसाइज लगातार करते रहना होगा। तुम आज जाने के लिए तैयार हो, ठीक है ना? हाँ, क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहती हो बैगी पैंट्स पहनकर सितंबर को? ये बहुत ज्यादा वर्कआउट थी। लड़कियों देखो, कैट डॉग ने मैसेज किया है मुझे। क्या लिखा है, दिखाओ। हाँ, उसने मैसेज किया है कि मैं बहुत ही शानदार लड़की हूँ। सच में ऐसा है क्या, बताओ मुझे। हाँ, ओ लड़कियों, तुम्हें पता है मुझे मैसेज किसने किया है? उसका नाम एंट है। चलो पढ़ते हैं उसने क्या मैसेज किया है। वो ये कह रहा है कि उसे मेरा दो पिक्चर्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं ये बनाती हूँ। हाँ लड़कियों, किसी बम्बलबी ने मुझे मैसेज किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या जवाब लिखूं उसे। लड़कियों, ये डेटिंग साइट फ्री हार्ट बकवास है बिल्कुल, मुझे पता है इसके बारे में। जो भी है, ठीक है ना, देखते हैं। ओ दोस्तों, वो लिख रही है, वो लिख रही है, हाय कैट डॉग, कैसे हो तुम? मैंने अभी अभी अपना वर्कआउट खत्म किया है। वाओ, ओ दोस्तों, लैला ने भी मुझे मैसेज किया है। उसने लिखा है, बम्बल, तुमने ऐसा अजीब नाम क्यों चुना? ओहो, वाओ, बधाई हो। डायना ने मेरा मैसेज पढ़ लिया, लेकिन उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? शायद वो समझ नहीं पाई है क्या? ओ दोस्तों, याना ने मुझे मैसेज किया है कि वो आज शाम 6 बजे फ्री है, चलो मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं जाता हूँ। क्या तुम बेवकूफ हो, कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ तो अब मैं क्या करूं? ब्राउस, तुम्हें उसे मिलने की जरूरत नहीं है, तुम उसे हर दिन बात कर सकते हो, तुम उसे हर दिन चुप चुप के देख भी सकते हो। डायना लिख रही है। मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि डायना क्या लिखने वाली है तुम्हें। मैं आना के साथ डेट पर नहीं जा सकता हूँ। ब्राउस, मैंने कहा ना तुमसे, तुम बस उससे चुपचाप बातें करते रहो। दोस्तों ये देखो, डायना ने मुझे रिप्लाई किया है, मैसेज दिया है। उसने मुझे मैसेज किया है कि धन्यवाद। क्या तुम बेवकूफ हो, तुमने उसे पिक्टेल्स के बारे में क्यों मैसेज किया? वो तुम्हारा पर्दाफाश कर देगी। मैं उसे बोल दूंगा कि मैं बस ऐसे ही अंदाजा लगाया। बाहर मजे करना कितना अच्छा होता है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी जूली यहाँ पर ना आए।
हाँ हाँ गिगी भी, उन्हें तो पता भी नहीं कि हम हैंडसम बनकर उन्हें छेड़ना चाहते हैं। बहुत पागल हैं वो। वाह वाह, स्कूल शुरू होने वाला है, अब नई लड़कियाँ, नया प्यार, मजा आ जाएगा। हम बहुत खुश हैं इस बारे में। ओ दोस्तों, तुम्हें पता है आज मैंने बहुत खतरनाक वर्कआउट किया और हम बहुत जल्द पतले होने वाले हैं, एकदम पतले। ओ दोस्तों, तुम यहाँ पर छिप रहे हो, गिगी इन सब से उभर नहीं पा रही है। मैं रोने वाला हूँ, लगता है कि हमें इनसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मोर्चिया, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इससे उभर नहीं पा रही हो। वैसे दोस्तों, मैं लिखने वाला हूँ कि याना केट डॉग तुम्हारे साथ डेट पर जाना पसंद करेगा। मैं भी लिखूंगा कि लायला बम्बल तुम्हारे साथ डेट पे जाना पसंद करेगा। मैं तो डाने को मैसेज करूंगा कि चलो मैं 6 बजे तुम्हें डेट करने वाला हूँ, क्या तुम मेरे पास आओगी डेट करने के लिए? चलो मैं सेंड कर दिया। चलो भेज देते हैं। चलो अब देखते हैं कि वो हमारे साथ ईमानदार है कि नहीं। सुनो लड़कियों, मैंने तय किया है कि मैं छोटे एंड के मैसेज का जवाब दूंगी, वो बहुत ही प्यारा लड़का है। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम डेटिंग साइट पे बहुत अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ सकती हो। लड़कियों, बम्बलबी ने मुझे अपने साथ डेट पर चलने के लिए बुलाया है। मुझे भी मैसेज आया चाहता है सच में। वैसे वैसे लड़कियों, उन्होंने तुम्हें एक ही समय पर बुलाया, तुम्हें तो आमंत्रण पर हाँ बोल देना चाहिए उन्हें, ये सही रहेगा। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। इतनी ईमानदार है वो हमारे साथ, तो फिर चलते हैं डेट पे। उन्हें पकड़ते हैं इस पाप में। लड़कियों, मेरा दिल कह रहा है कि जाइना तुम्हें इस लिटिल एंड से मिलना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि वो दिखने में कैसा दिखता है ना। मैं जाने वाली हूँ। जाइना, तुम हमारी मन की बात जान जाती हो। बढ़िया, चीयर लीडर बास्केटबॉल प्लेयर्स को डेट करती हैं, लेकिन वो डेटिंग साइट पर दूसरे लड़कों के साथ। एक शब्द मत बोलना। लड़कियों, ये कितना मजेदार और बिल्कुल अलग है ना। मैं किसी अनजान के साथ कभी भी डेट पर नहीं गई हूँ, कभी नहीं। लड़कियों, तुम उनसे किधर मिल रही हो बताओ? पास। आओ लड़कियों, ये दिखावा करना बंद करो। तुम्हें पता है क्या क्या होगा अगर एक ही लड़का तुम सबको मैसेज कर रहा होगा? तो ये बहुत अजीब बात है। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। सफेद कलर के कपड़े पहनने वाली हूँ। हाँ। ओ लड़कियों, आज तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक मीठी कैंडी की तरह दिखना चाहती हूँ। हे भगवान, नमस्ते, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये एक इशारा है। हम एक ही जगह पर तीन अलग अलग लड़कों से मिलेंगे। तुम लोग कम बात करो, मुझे डेट पर जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। वैसे देखती हूँ मैं, तुम लोग क्या बोलोगी जब वापस आओगी? तो मैं वेट करूँगी इसका। लड़कों, आज तुम लोग इतने उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हो? पादरी, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, करते हो। तुम देखना, जब मैं अपना वजन घटा लूंगी तो मैं कितनी खूबसूरत दिखूंगी, बहुत खूबसूरत। जाने दो मुझे, मैं इन सब से बाहर हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो देखो उस तरफ वो। हाँ देखता हूँ, एक मिनट लूजर। जैसे मत चिल्लाओ। अगर तुम्हें चीयर लीडर्स दिखे तो उनको मत बताना कि हम लोग कहाँ गए हैं, समझे ना तुम लोग? शांत रहो। हम किधर जा रहे हैं बताओ? लड़कियों, हमें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमारे पास अपने रिलेशनशिप है, हमें दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे जाने दो, हटो जरा, एक सेकंड हटो। मुझे नहीं चाहिए कोई बास्केटबॉलर्स, मेरे पास कुकू है। सच बताऊं, बहुत बढ़िया खुशी हुई है दोस्तों, मुझे। चलो जल्दी चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि लड़कियां आ जाएं। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। मैं बस तुम लोगों को दरवाजे तक छोड़ना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? वापस घर चले जाओ, हमारे डेट के बारे में किसी को। हमें गेट तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी इसकी जरूरत नहीं। तो दोस्तों बताओ तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ ये बढ़िया आइडिया है। हाँ लेकिन एक दिक्कत है, हम खाली हाथ जा रहे हैं डेट कोई पे। बात नहीं स्माइल, तुम्हें अच्छे से पता है हमारी लड़कियों के बारे में। ठीक है लड़को, जैसा तुम चाहो, वैसे भी मैं दुकान पे जा रहा हूँ डायना के लिए कुछ लेने के लिए। गुलाब खरीदने जा रहा है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि लिटिल आंट ये है तो उसे नरक भेज देगी। ब्राउज, अगर डायना स्माइल को नरक भेजेगी तो हमारी लड़कियाँ भी हमें भेज देंगी। ठीक है मैक्स, चलो चलते हैं। लड़कियों देखो मैं कैसे लग रही हूँ, खूबसूरत लग रही हूँ ना? जाइना तुम एकदम पटाका लग रही हो, एकदम पटाका लग रही हो। हाँ तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने यहाँ पर पिंपल छिपाया था, देखो तो कहीं दिख तो नहीं रहा ना? नहीं, सब कुछ ठीक है। लड़कियों हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। चलो। ओ दोस्तों मदद करो, ये बहुत ही बड़ा है। स्माइल, तुम्हें ये किधर से मिला? ये बताओ तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो स्माइल? हम लड़कियों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं लड़कियों का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ, समझे ना तुम? फूलों से खुशबू क्यों नहीं आ रही, ये अजीब है। देखो वो लोग आ रही हैं, ये टेडी बहुत ही महंगा है, मैंने अपने सारे पैसे इस पे खर्च कर दिए हैं, उसके बाद मैंने ये फूल भी लिए हैं उसके लिए। हाँ, मैं समझ गया। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है, मेरा लिटिल एंड कहाँ है? हम पार्क पहुँच गए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैट डॉग से मिलने के लिए। लड़कियों क्या होगा अगर वो लोग आए नहीं? लायला वो जरूर आएगा, तुम देख लेना। हाँ
दोस्तों सोचो कितनी हैरानी होगी याना को जब उसे पता चलेगा कि कैट डॉग कोई है ही नहीं। नहीं नहीं सोचो जरा डायना, ये देख के कितनी हैरान हो जाएगी। मैं तो यही सोच रहा हूं। उन्हें कितनी हैरानी होगी ये जानकर कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। लड़कियों चलो चलो। हाँ लड़कियों देखो एक लड़का आ रहा है, वो उसके हाथ में टेडी बियर है। लड़का बहुत अजीब लग रहा है, लग रहा है इसकी बहुत सारी टांगे हो। देखो ये क्या है, मेरा लिटिल एंट किधर है, मेरा कैट डॉग किधर है? लड़कियों ये रहा कैट डॉग, लिटिल एंट और बम्बल बी, तुम हैरान हो जाओगी। हाय लड़कियों, लड़कियों कैसी हो? स्माइल, हाय तुम लेकिन कैसे यहाँ पर? हाँ प्रवास की कैट डॉग किधर है? कैट डॉग किधर है? हाँ बताओ। लड़कियों क्या तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, ये लिटिल एंट, कैट डॉग और बम्बल बी ये बास्केटबॉलर्स ही हैं। या ना क्या तुम्हें कैट डॉग पसंद आया? वो कैट डॉग कोई और नहीं, मैं हूँ। हम तुम्हें हवा से नीचे लाने वाले थे और लगता है कि हम कामयाब हो गए। लड़कियों अब किसी के भी साथ चक्कर मत चलाना, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये लो ये तुम्हारे लिए है और ये भी। ठीक है सब तो कुछ समझ आ गया। के बाद स्माइल देखो क्या दे रहा है डायना को, लेकिन तुम्हारा क्या? शुक्रिया स्माइल, हम ही तुम्हारे लिए तोहफे हैं। स्माइल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हो मेरे लिटिल एंट, मैं तुम्हें हमेशा बुलाऊंगी लिटिल एंट के नाम से। नहीं डायना मुझे इस नाम से मत बुलाओ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम अब डेटिंग साइट पे नहीं जाओगी, ठीक है ना? बिल्कुल स्माइल मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा लिटिल एंट ही बुलाया करूंगी। कैटॉग कैटॉग, मैं कैटॉग का इंतजार कर रही थी लेकिन तुम निकले प्रवास की। या ना मैं बस तुमसे इंटरनेट पर बात करना चाहता था। तो इसका मतलब ये है कि तुम डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? लेकिन तुम भी करती हो। मैं तो बेवजह आई थी है ना? देख लो तुम जो भी देखना है देख सकते हो। अच्छा बिना किसी कारण? क्या तुम डेट पे बिना किसी कारण ही आ गई थी? मेरी बात सुनो बम्बल बी और मैक्स, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बस बस, लेकिन पहले क्यों शामिल हुई थी इस डेटिंग ऐप से? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बहुत ही शानदार है, स्माइली है मेरा लिटिल एंड, मैं बहुत ही हैरान हूँ, मैं सच कह रही हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय। लड़कियों चलो चलते हैं, चलो बाय। चलो बाय। स्माइल और डायना ठीक है लेकिन हम क्यों नहीं? तुम हम पे चिल्ला क्यों रही हो? बस इसीलिए क्योंकि लिटिल एंड तोहफा लेकर आया है और तुम नहीं। ब्राउ स्माइल ने हमें फंसा दिया। याना क्या तुम्हें हमारी कैट डॉग वाली तरकीब पसंद आई? तुम वो कैट डॉग नहीं हो जिसके बारे में मैंने सोचा था, समझे ना? स्माइल सच कहो तो मुझे पता था कि ये तुम ही होगे, इसलिए मैंने डेटिंग ऐप इस्तेमाल किया था, सही कहा ना? मुझे पता था कि तुम लिटिल एंट हो। मुझे पता है ये तुमने किया होगा बेबी। बाय दोस्तों। ओ स्माइल कैसे हो, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? और लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? क्या होगा अगर वो लोग नहीं? स्माइल प्रीवियत, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? हाँ और तुम यहाँ पर कैसे आए हो मुझे ये तो बता दो। क्या होगा अगर वो लोग तीनों एक ओ बिना किसी कारण? क्या तुम डेट पे बिना किसी कारण ही आ गई थी? ऐसा तो नहीं हो सकता।